जब आप हमारे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होकर हमारे साथ चैनल पार्टनर बन जाते हो तो हम लोग आपको लेबर का एजेंसी भी देते हैं, जहाँ पे यूपी, झारखंड, बिहार, इसके बाद उड़ीसा, ये सारे बेल्ट से हमारे पास रजिस्टर्ड 5,000 फार्म लेबर्स है, जो कि ऑन डिमांड पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद एज ए एजेंसी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे साथ मिलके बेच के वहां से तो कमा ही रहे हो, बट इसके अलावा भी आप लेबर मैनेजमेंट या लेबर सोर्सिंग से भी आप कमा रहे हो। पॉली हाउसेस का जो प्रोजेक्ट है, जो लॉस मेकिंग पॉली हाउसेस है, उसको प्रॉफिट मेकिंग में कैसे टर्न अराउंड करना है, स्पेशली स्क्रैप मेटल वाले का पार्ट है, और उसके स्क्रैप मेटल के बाद भी बहुत सारा पार्ट है, तो ये आपका सेकेंड मनी मेकिंग मॉडल हो गया, ठीक है। थर्ड तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे साथ जब आप चैनल पार्टनर बनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को एज अ उसको आगे बढ़ाते हो, तो वहां से भी आपका बल्क में वॉल्यूम में आपका सेल्स आता है, तो यहाँ से आपका मनी मेकिंग मॉडल हो गया। अच्छा, चौथा क्या हो गया कि कंसल्टिंग प्लस साइड विजिट। अब आपको पता है कि जब आप प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस हमसे सीख लेते हो, तो हर कोई फार्मर आने वाले दिन में चाहेगा कि आप उनका बिजनेस कंसल्टिंग करें फार्मिंग में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको साइड विजिट के लिए जब आप जा रहे हो तो उसमें भी आप कमाते हो, क्योंकि देखिए जब साइड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या लोगों का कि सर ये फार्मिंग प्रोजेक्ट हम लोग का फार्म हाउस है, हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, अब आप बताइए फार्मिंग प्रोजेक्ट में पैसे कितने लगेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आप तो ओवर द फोन बातचीत करके तो पता नहीं कर सकते, तो आपको साइड विजिट पे भी जाने का एक मौका मिलेगा। तो हम लोग जो अभी तक जो करते आ रहे थे, ये होता था कि क्लाइंट हमें आने जाने का फ्लाइट का खर्चा वो बियर करते थे, 3 दिन रहने खाने पीने का सब कुछ खर्चा वही क्लाइंट बियर करते थे, और वहां पे हमारा जो काम था अगले 3 दिन के लिए वहां पे साइट विजिट करना, फार्म विजिट करना, और उसको देखते हुए एक प्रॉपर एक आर्किटेक्ट की तरह उनको बिजनेस प्लानिंग बना के देना कि उनका मनी मेकिंग मॉडल कहाँ से होने वाला है, पहले 3 से 6 महीने के अंदर इनिशियल सक्सेस कैसे होने वाला है, वो प्लान मनी मेकिंग मॉडल का प्लान बना के हम लोग उनको देते हैं, और देने के बाद जब वो एग्री हो जाते हैं तो फिर हम लोग उसको एज अ फार्म हाउस ऑपरेटर की तरह बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर करके उनको हम लोग दे देते हैं। अब इसके चलते क्या 3 से 6 महीने में से होता है ना कि जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, उनका फ्रेंचाइजी कोई खोलना चाहता है तो वहीं का मैनेजमेंट आके जमीन भी उनकी, पैसे भी उनके, एम्प्लॉयज का सैलरी भी उनका, आपका मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट देने के वजह से बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर करके 6 महीने में दे दोगे, और 6 महीने बाद बोलते कि नहीं आप ही कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं, या फिर हमारा टाइम नहीं है, हमारा बिजनेस कुछ और ही है, तो आप उसको कंटिन्यू रख के वहां से भी आप कमा सकते हो, रिकरिंग रेवेन्यू रहेगा आपके लिए। तो ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपका बिजनेस कंसल्टिंग का बता दिया, पांचवा वाला हो गया मनी मेकिंग मॉडल आपका लाइसेंस आउट आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब लाइसेंस आउट का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है सीन, देखिए जैसे बहुत सारे फार्मर्स भी है जो की ट्रेनिंग चलाते हैं, बट वो फार्मिंग के प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फार्मिंग की बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। उसमें से एक मॉडल ये भी है कि आपने जितने फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए या फिर फार्मर्स हो गए जो कि इसकी ट्रेनिंग देते हैं, आउटरीच बहुत बड़ा बड़ा है, तो उनके साथ भी कोलैबोरेट करके उनको लाइसेंस आउट कर सकते हैं हमारे साथ मिलके, और पे पर यूज के हिसाब से आपको रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, जितना वो यूज करेंगे तो पर यूजर के हिसाब से भी आप कमा रहे होंगे। तब आगे बढ़ते हैं लाइसेंस आउट से आगे। अच्छा, उसके बाद छठा वाला आपका मनी मेकिंग मॉडल हो गया स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप क्या है, अब जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे किसान बिजनेस क्लिनिक का बहुत नाम हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे उनका प्रमोशन करें उनके प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कौन हो गए, हम लोग एक इवेंट मैनेजर जैसे हो गए फार्मर्स के लिए। मतलब देखिए एट द एंड ऑफ द डे पैसे कमा के कौन दे रहा है, हम ही लोग तो दे रहे हैं ना उनको, कमा के मदद कर रहे हैं कमा के देने में। तो आप ये जान के कि जब शादी ब्याह होता है ना तो लाइट वाला, केटर वाला या बैंड बाजा वाला उतना नहीं कमाता है जितना इवेंट ऑर्गेनाइजर कमाता है, वैसे ही हमारे इसमें क्या है कि खाद बीज दवाइयां इनपुट वाले उतने नहीं कमाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये खाद बीज दवाइयां इनपुट वाले कमा के नहीं दे रहे फार्मर को, बट हम लोग कमा के देने में मदद कर रहे हैं उनको, तो ऑब्वियसली जो हम बोलते हैं तो उसी हिसाब से किसान हमको फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे कमा के, इससे पहले तो कुछ नहीं कमा रहे थे, तो हम लोग तो उनको 10 रुपए कमा के दे रहे हैं, तो हम लोग जो बोलते हैं तो वही वो किसान सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा अपर हैंड होगा, और यहाँ पे रिकमेंडेशन लिस्ट होता है हमारा, रिकमेंडेशन लिस्ट, हाँ, कि उसमें कौन सी कंपनी वाला लेना अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इसको बैटल टेस्ट करके जिनका अच्छा मार्केट रिव्यू है या फिर जिनका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी गलत ब्रांड के साथ जुड़ के हमारा भी नाम खराब हो जाए,
तो ऐसे लोगों को ही हम लोग रिकमेंडेशन लिस्ट में डालते हैं, और जो स्पॉन्सरशिप के लिए भी आते हैं तो ऑब्वियसली उन लोग भी स्पॉन्सरशिप करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, तो उनके भी उसमें देखिएगा जो स्पॉन्सर्स आते हैं, और जहां तक हमें पता है 45 लाख रुपए सिर्फ स्पॉन्सर के उन लोग पे करके जाते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारा जो फार्मिंग का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो एक से एक बढ़ के आपको स्पॉन्सर आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आप भी हमें अगर आगे से 10 रुपए कमाने में मदद करेंगे तो बाई डिफॉल्ट 2 रुपए आपकी भी वॉल्यूम में बड़ी कमाई होगी। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप वाला क्लियर हो गया आपका। आखिरी का लास्ट का दो हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो सेवेंथ मनी मेकिंग मॉडल पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगी अब बहुत सारे अब फार्मर्स है या फिर एग्री स्टार्टअप है जो अपना फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट उनको सही तरीके से नहीं पता है कि कैसे करके इसको शुरुआत की जाए, कहाँ पे इसको शुरुआती दौर पे करें और कैसे पैसा आने का रास्ता उनके लिए खुले। तो जस्ट बिकॉज आप हमारे स्टूडेंट है, चैनल पार्टनर भी है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को पकड़ेंगे अपने अंडर में और उनको एक असिस्टेंस देने के हिसाब से आप इनके फार्मिंग प्रोजेक्ट को एज एग्री स्टार्टअप आप उनके कंपनी को चलाएंगे ऑटो पायलट में, और उसी के हिसाब से फिर आप उसमें से एक इक्विटी छोटा सा परसेंटेज ले लेंगे, जो कि आने वाले दिन में आपके लिए रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक लेवल तक मेहनत कर सकते हो फार्मिंग के बिजनेस में या फिर फार्मिंग के प्रोफेशन में। आज से 10 साल 15 साल या 20 साल बाद आपकी भी हड्डी जवाब दे जाएगी। आप हर दिन सिर्फ जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आप सिर्फ कमाओगे, उससे आपका गुजारा नहीं होने वाला। आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो इसी के चलते हम लोग ने यहाँ पे जो एग्री स्टार्टअप है उसमें से इक्विटी कैसे निकालना है वो भी हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, ताकि रिकरिंग रेवेन्यू आपका एक तरफ से नहीं दसों दिशाओं से आनी शुरू हो जाए। उसके बाद फिर आठवें फाइनल जो मनी मेकिंग मॉडल की तरफ आते हैं हम लोग, वो हो गया टेंडर्स की तरफ, स्पेशली कॉलेजेस में, आर्मी वालों के प्रोफेशन में, या फिर जहाँ पे कंपलसरी है कि पूरे ग्रुप या कम्युनिटी को हेल्प करने के हिसाब से, तो यहाँ पे भी आप ऑफिशियली कर सकते हो। तो ये आठ वो मनी मेकिंग मॉडल हो गए जो इस ट्रेनिंग के अलावा भी आप कमा। ये वीडियो देखने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस दिए हुए जो फ्लो चार्ट है इसको फॉलो करना है। इस फ्लो चार्ट में मोटा मोटा आपको बताया गया है कि आप डुबकी कहाँ पे मारेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, और एंडिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके निकलेंगे डुबकी मारने के बाद। ये दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर कट इस प्लान में दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना ही आपको करना है और यहीं से आपका सक्सेस का रास्ता शुरू होता है।